क्लास टेंथ वी आर विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. बट बिफोर गोइंग टू दिस चैप्टर देयर हैज समथिंग रिटन देयर नोट्स फॉर द टीचर इन योर बुक. सिंस इन द लॉकडाउन यू आर योर ओन टीचर्स हैं. लॉकडाउन में आप अपने टीचर खुद हैं. सो यू मस्ट रीड इट. हर बार तो मैं इसे पढ़ता हूँ, इस बार आप पढ़िएगा. क्यों? क्योंकि आप लोग खुद ही ज़्यादातर खुद चीज़ें सीख रहे हैं. इसमें लिखा है कि वी आर लिविंग इन द इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड एंड देर इज़ ए लॉट ऑफ डिमेंशंस लाइक द कल्चरल, पोलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल. जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं. कल्चरल डायमेंशंस है, पोलिटिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिकल डायमेंशन है. क्या मतलब? सांस्कृतिक रूप से आप घर में MTV देख रहे हैं ना, आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं, आप हॉलीवुड के शोज देख रहे हैं, यूट्यूब में आप फॉरन प्रोग्राम्स देख रहे हैं. पोलिटिकल प्रोसेस दुनिया भर में, डेमोक्रेसी अपने आप में वेस्ट से आया हुआ सिस्टम से, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम जो पूरा न्यू लिबरल इकोनॉमी है, लिबरल इकोनॉमी है, ये वेस्ट से आई है. तो ये चीज़ें पूरी की पूरी ग्लोबलाइजेशन के ही कारण ये पॉसिबल हुई हैं, या ये ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमेना है. लेकिन ये क्या कहता है? दिस चैप्टर लुक्स ग्लोबलाइजेशन इन ए मोर लिमिटेड सेंस. लेकिन ये आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही लिमिटेड वे में देख रहा है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही वास्ट है. उसमें कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन, हम सिर्फ इकोनॉमिकल डायमेंशन को देखेंगे. क्यों? क्योंकि वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स. हम ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है. और मज़ेदार बात है, इकोनॉमिकल प्रोसेस सिर्फ अभी न होने से पहले, अगर हमें याद है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कभी इंडिया में आया था, याद है आपको? और पहले अरब आए, फिर यूरोपियंस आए, ये सारे के सारे लोग भारत में ट्रेड करने के लिए आए. उससे उसी समय हमें पता है एक सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट भी है उससे पहले का. तो वो सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट वो सबका सब ट्रेड का है. तो हिस्ट्री भी अपने आप में हमें बहुत कुछ बताती है. लेकिन इसमें MNCs का रोल क्या है इसमें देखा जाएगा, और स्टूडेंट को ग्लोबलाइजेशन को सिंपल टर्म्स में समझा जाएगा. बिफोर की वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं. जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आजकल गुड्स की. हमारे पास डिजिटल कैमरा, आज मोबाइल फ़ोन देखिए ना. प्रधानमंत्री ने आपने कहा है कि हम लोग बी इंडियन बाय इंडियन, हम स्वावलंबी हों, अपना घर का सामान, घर ही का सामान जो इंडिया का सामान है कंज्यूम करें. आप लोग देखिए कितने लोग आप लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. जिस एप्पल में, जिस आईपैड में मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, वो अमेरिका का फेमस ब्रांड है, चाइना में प्रोड्यूस हुआ है. और सेम वे जिस मोबाइल से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, ये भी चाइना में प्रोड्यूस हुआ है. और ये सच्चाई है कि डिजिटल कैमराज, मोबाइल फ़ोन, ये सारा का सारा जो ग्लोबल सिस्टम हुआ है, उसी के कारण आज तक आए हैं. आज कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइस है. वो जमाने गए, एम्बेसडर अब तो बनना बंद हो गई है. पहले एक ही एम्बेसडर ऑफ फाइट कार होती थी. आज दुनिया में कितने ऑटोमोबाइल्स हैं, आप खुद देखिए नानकदा में ही कितने ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं. आपके सूच के ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड, ऐसा कभी नहीं था. ये जो आपको अलग अलग ब्रांड्स के मार्केट दिख रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं था. आप पेप्सी है, कोको कोला है, ठीक है, मैकडीज है, KFC है, ये सारी की चीज़ें आपकी पहले कभी नहीं थी. ये रिसेंटली फेनोमना है. ये तो 2 decades कह रहा है, 3-4 decades पुराना फेनोमना है ये. 91 में जो लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट हुई, आप इस 1991 को याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार इसके रेफरेंस में जाएंगे जब हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे. हाउ डू वी अंडरस्टैंडिंग दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए भारतीय बाजारों में, जो विदेशी मार्केट से पटा, विदेशी प्रोडक्ट से पटा हुआ है, ये कैसे हुआ? व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस? कौन से ऐसे फैक्टर थे जो ये चेंजेस लाए? एंड हाउ आर दीज चेंजेस इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल? हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? और यही चीज़ें हमें इस लेसन में समझनी है. ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस को समझाने से पहले आपको एक जर्नी पे ले चलते हैं. ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको ये सीन देखते हुए? ये बेटा वो ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार टावर करके उसकी दो बिल्डिंग्स हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में. सितंबर 11 सितंबर 2001 में इसमें अटैक हुआ. ये है द पिक्चर फ्रॉम द 9/11 अटैक. और मैं क्यों आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंस जो बार बार आएगा कि हम कैसे आपस में डिपेंडेंट है, मैं बताना चाह रहा हूँ. ये जो 110 मंजिली दो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, दो टावर थे, इन टावर्स में दुनिया के 80 देशों के अलग अलग ऑफिस थे. इसमें इंडियंस के ऑफिस थे, इंडियन काम करते थे इसमें, मलेशिया के काम, इंडोनेशिया के काम, पाकिस्तान के काम, दुनिया के सारे देशों के लोग लगभग आप इनको इन बिल्डिंगों में मिलकर काम करते थे. इनमें जो ऑफिस थी वो दुनिया भर के बिजनेस की प्रोसेस को देखते थे. वो फाइनेंस सर्विसेज देखती थी, कंसल्टेंसी सर्विसेज देखती थी, वो दुनिया भर की चीज़ों को देखती थी. दुनिया भर के देशों के नागरिक इन बिल्डिंग्स में थे. और क्या होता है 9/11 पे, दो बोइंग अमेरिकन विमान, दो अमेरिका के ही बने हुए बोइंग. अगर आपको याद होगा दुनिया में दो ही फेमस विमान हैं जिनमें यात्रियों को ढोया जाता है, एक है बोइंग और है एयरबस. एयरबस यूरोप का है, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन का जो भी कंट्रीब्यूशंस है, और बोइंग आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है. आपके पास भी ज़्यादातर इंडिया में वही है. तो बोइंग विमान दो आते हैं और इन पर अटैक करते हैं. मज़ेदार बात है, उन बोइंग विमानों में बैठे हुए भी लोग दुनिया भर के देशों के अलग अलग देशों के लोग थे.
वो विमान इनमें जाते हैं और एक मिसाइल के रूप में काम करके इन दोनों स्टील के स्ट्रक्चर की बनी बिल्डिंग्स को, इन खूबसूरत बिल्डिंग्स को जो अमेरिका की इकोनॉमिकल पावर का एक तरह से सिंबल था, इस तरह से इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जब पता चलता है बाद में, और वो विमान सिर्फ यहीं पे नहीं जाते हैं, वो और भी अमेरिका की रक्षा मंत्रालय का जो भवन है पेंटागन, उस पर अटैक करते हैं। और बाद में जब पता चलता है ये विमान 440 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से आते हुए, बोइंग 707 विमान जब इसमें टकराया, एक ऐसा ही छोटा विमान अमेरिका के पेंटागन में टकराया, एक विमान रास्ते में ही क्रैश हो गया, तब ये पता चला कि जिन लोगों ने इन विमान से अटैक किया उनमें से 9 लोग सऊदी अरेबिया के नागरिक थे। कहाँ? अमेरिका। और आप देखिए, अमेरिका एक सी पड़ता है बीच में जिसको बोलते हैं अटलांटिक, उसके बाद आपका पड़ता है अटलांटिक सी आने के बाद आपका अफ्रीका, और उधर फिर मेडिटेरियन सी पड़ने के बाद आपका आता है सऊदी अरेबिया। वहाँ के 9 नागरिक थे, उनमें से कुछ एक पाकिस्तानी नागरिक भी थे। जिन लोगों ने हाईजैक किया उनको ट्रेनिंग कहीं और मिली, अफगानिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिली। ठीक है, अफगानिस्तान में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर या इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रक्चर काम करता था, जिन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी। वहाँ से वो लोग कहीं दूसरे देशों में आए, वहाँ से आने के बाद अमेरिका में आए और उन्होंने अटैक किया, और इस दुनिया की अमेरिका की जो पावर, इकोनॉमिकल पावर का जो एक सिंबल था, वो ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर्स को दोनों को गिरा दिया गया। दुनिया भर के लोगों की डेथ हुई, और इसके बाद जो रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस में ये हुआ कि अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं नाटोज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप के देशों ने मिलके हमारे पड़ोस में एक देश अफगानिस्तान, उस पर अटैक किया, जिनमें लगभग 27 देशों की आर्मी शामिल होती हैं। और जब उसमें अटैक होता है, वो 2001 की कहानी है, और 2020 में जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तब अमेरिका उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे एक सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसका कंसिक्वेंसेस ये होता है कि 20 सालों में वहाँ पे दुनिया भर के लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, अमेरिका इन आतंकवादियों को या टेररिस्ट को, तालिबान को मारने के लिए, अब जिनको अमेरिका आतंकवादी नहीं कहता, सॉरी अब तो, जिनमें ताजिक भी मिलते हैं, उज्बेक भी मिलते हैं, ठीक है, उज्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान के, दुनिया भर के एक्सट्रीमिस्ट, सूडान के, इराक के, ईरान के, सऊदी अरेबिया के लोग भी मिलते हैं, और दुनिया की सेनाएं जो इनको मारने जाते हैं, और जो मारने जाते हैं वो भी दुनिया के अलग अलग देशों के सैनिक जाते हैं, और इसका दुनिया भर में असर पड़ता है इस पूरी घटना का, जिसको हम बाद में इस्लामिक स्टेट, रेडिकलाइजेशन, और दुनिया भर में राइट विंग गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाने का एक ही आशय था कि जब दुनिया में एक आतंकवादी घटना होती है 9/11 के नाम से जिसको जाना जाता है, वो कितनी इंटरकनेक्टेड थी। कहीं एशिया से के लोग हैं, मध्य एशिया में रचना उसकी प्लान किया गया, ठीक है, यूरोप से कुछ साथी ट्रेंड करते हुए आए और अटैक किया गया अमेरिकन महाद्वीप पे, और दुनिया भर में उसका असर पड़ा। इस तरह से आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया इतनी ग्लोबलाइज है, इतनी कनेक्टेड है, तो आपको इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम इसमें पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इंटीग्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, डायमेंशंस ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं, क्या कारण था, क्या लॉजिक दिया ग्लोबलाइजेशन का COVID-19 के बाद, और इससे पहले जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था, पर्टिकुलरली जो ट्रंप अमेरिका में आई और ब्रिजिट हुआ, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, तो उसमें जो कारण बताए गए थे, रीजन फॉर द ग्लोबलाइजेशन, वही बताए जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस भी उल्टी भी हो रही है, कुछ ऐसा भी है, देखते हैं उसको क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का क्या हुआ, क्या क्या चेंजेज हुए, और क्या असर पड़ा है इसका, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या निगेटिव हैं। तो लिखा है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज सीन एज द वर्ल्ड विदाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, लेकिन अब ये चेंज हो गया है कोविड के बाद, तो बिल्कुल चेंज हो गया। आप अपने गाँव की बाउंड्रीज ओपन नहीं कर रहे हैं, भारत में राजस्थान और यूपी आपस में शायद दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं कि हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, तो स्थिति तो बहुत बदल गई है। लेकिन ऐसा कहा गया कि द मॉडर्न वर्ल्ड सीन एज द वर्ल्ड विदाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, आधुनिक दुनिया ऐसी होगी उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी, एंड एनी काइंड ऑफ द वैरियर, कोई भी वैरियर नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द मेजर फोर्स बिहाइंड इट, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन था कि पूरी दुनिया को एक गांव में बदल देना, पूरे ग्लोबल को एक विलेज में कन्वर्ट कर देना, ये था इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देना, एक्सचेंजिंग द आइडियाज, विचारों को आपस में, आइडियाज को एक्सचेंज करना, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी के आइडियाज कहीं से आ रहे हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म के आइडिया कहीं से आ रहे हैं, तो LGBT कम्युनिटीज़ के राइट्स के आइडियाज़ कहीं से आ रहे हैं, वायलेंस के आइडियाज़ कहीं से आ रहे हैं, नॉन वायलेंस के आइडिया कहीं से आ रहे हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ द आइडियाज, प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो हमें बात करी हमने टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, जिस आईपैड की बात और जिस फोन की मैं बात कर रहा था, तो टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है,
द ग्लोबलाइजेशन, और आप तो छोड़ो ना, ग्लोबलाइजेशन का सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कोविड 19। कोरोना वायरस कहाँ से आया? चाइना। चाइना से कहाँ गया? यूरोप। यूरोप से कहाँ गया? अमेरिका। और आपके यहाँ कहाँ से आ गया? चाइना और अमेरिका से आपके यहाँ भी आया। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है। द ग्लोबलाइजेशन एट इंडिया लेट। ग्लोबलाइजेशन भारत में बहुत बाद में आया इन कंपेयर ऑफ द यूरोप, इवन इन कंपेयर ऑफ द चाइना और द साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में बहुत में आए, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारी देश की पॉलिसीज में, इकोनॉमिक्स में, अलग अलग एस्पेक्ट में, हम बात करेंगे उनके बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, से एक अंतर्राष्ट्रीय इंटीग्रेशन मैंने जोड़ना है। अराइजिंग फ्रॉम टू द इंटरचेंज ऑफ द वर्ड्स, और जो कैसे आया है इंटरचेंज ऑफ द वर्ड, जो अलग अलग विचार आए हैं, प्रोडक्ट आए हैं, आइडियाज़ आए हैं, अलग एस्पेक्ट आए हैं कल्चर के, तो उससे आप क्या करते हो? आप दुनिया को आपस में कनेक्ट करते हो। तो अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है कनेक्ट करने के लिए, हिस्ट्री कैसे दिखाई जा रही है मीडिया, और हम देखें ना तो पूरी की पूरी दुनिया आपस में पहले भी ऐसे कनेक्ट थी, लेकिन इतनी भयानक ढंग से कनेक्ट नहीं थी। जब हमने बात करा कि स्पेनिश फ्लू आज से 100 साल पहले वो भी आया था, उसमें भी करोड़ों लोग मरे, वो इससे भी खतरनाक बीमारी थी, इससे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट खतरनाक था कोरोना से, लेकिन दुनिया इतने भयानक ढंग से कनेक्ट नहीं थी। आप जब चाहें दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट कहीं से मंगा सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं था जैसा अभी हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स रैपिड इंक्रीज ऑफ द शेयर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। जो इसमें अलग अलग देश है ना ग्लोबल में, उनकी बाउंड्री खत्म कर दी गई है। दिख रहा है आपको? ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये मतलब है। ये आप नॉर्मली जो ट्रेडिशनल ग्लोब देखते हैं उसमें देशों की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है। आप जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को आपने क्या कर दिया? क्लीन कर दिया है ग्लोबलाइजेशन से। और अब क्या हो रहा है? नेशनल की बाउंड्रीज खत्म हो गई थी। ये कोविड 19 से पहले का सिनेरियोज मैं कर रहा हूँ। कोविड के बाद बहुत सिचुएशन बदलने वाली है 1-2 साल में। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नेशंस की बाउंड्रीज के बाहर हो रही थी। जैसे आप जो टीवी चैनल देखते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि उसमें विदेशियों का पैसा लगा हुआ है। जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, आपको पता ही नहीं होता इसका मुनाफा विदेश में जाएगा। जो बैंक आप, जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज, द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑन ईच अदर। तो इकोनॉमी, एक इंडिया की इकोनॉमी दूसरे पे डिपेंडेंट है। चाइना में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, अमेरिका में डिमांड नहीं है, तो इंडिया की डिमांड अपने आप ही कम हो गई, इंडिया में इकोनॉमिकल रिसेशन आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? तो एक जगह से दूसरी जगह असर पड़ रहा है। रिलायंस मैंने निर्भर है, द अपॉर्चुनिटीज टू बी एबल टू बाई एंड सेल इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में बनाया हुआ, इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा आम दुनिया के किसी भी बाजार में जाएगा। इंडिया में बन रही लेदर की बॉल से वर्ल्ड कप खेला गया। राजस्थान, सॉरी पंजाब में बन रही जो फुटबॉल बन रही थी बेटा, उससे फीफा वर्ल्ड कप खेला गया। और जबकि मजेदार बात है कि भारत कहीं भी फीफा वर्ल्ड कप में कभी नहीं खेलता, बॉलें भारत में बन रही थी, ऐसे ही वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी हो रहा था। द अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबर एंड द कैपिटल टू लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ऐसे मौसर मिले हैं कि लेबर आप कहीं भी जाके, भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स दुबई में काम कर रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो, कैपिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश का पैसा भारत में आ रहा है। और द ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन द फाइनेंस, और दुनिया में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो डेवलप्ड हुआ। तो इसके एस्पेक्ट क्या है कि चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ट्रेड एंड ट्रांजेक्शंस, व्यापार और ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो फर्स्ट वीडियोज़ में अभी इतना ही।